सो हाय डांसर्स, वेलकम टू द डे 19। तो इस लेसन में हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो एक टॉपिक रहेगा हम हमारा डांस का लेवल कैसे फाइंड करें, मतलब हम कौन से लेवल पे है, हमें कौन से टाइप का डांस, कितना डांस आता है, ऐसा कुछ। और दूसरा टॉपिक है कि हम हमारे जो भी डांस मूव्स है जो यूनिक कैसे प्रोड्यूस करें, यूनिक मतलब सिंपल डांस स्टेप्स को कैसे यूनिक करें। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करते हैं, हाउ टू फाइंड आवर डांस लेवल। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एग्जांपल के तौर पे आगे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं हमारे क्लास के, तो इनके लेवल थोड़े नीचे ऊपर है, क्योंकि किसी को 2 साल हुआ है, किसी को 3 साल हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 6 साल हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक लेवल फाइंड करना है कि ये सब स्टूडेंट्स में से कोई तो एक लेवल पे आप होंगे, इनसे आगे भी हो सकते हो, वो भी बात करेंगे। लेवल जानने से पहले हम लोग थोड़ा आगे फ्यूचर की जर्नी के बारे में बोलेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये वीडियो किसके बारे में। ठीक है, तो एकदम बड़े से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये लड़की, इसको सबसे ज़्यादा दिन हुए, 6 साल हुए, ये लड़की जो ब्लैक बंडाना पहना है, अंजलि नाम है इसका। ठीक है, इसके बाद ये है जिसको 5 साल हुए और उसको भी 5 साल हुए जो आगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ये लड़की का लेवल कहाँ तक पहुँच गया है और ये दोनों का क्या है वो फाइंड कर लेते। तो ये जो लड़की है और जो उधर के है वो बिगिनर है, मतलब इसको उनको एक दो साल हुआ है, तो वो अभी बेसिक पे ही है, आगे फ्यूचर में एडवांस लेवल करेंगे वो, अभी सिर्फ इनका बात करते। तो ये लड़की को क्या करना है, तो ये लड़की अभी, इसको हिप हॉप कोरियोग्राफी कैच करने आती है, हिप हॉप डांस करने आता है, हिप हॉप फ्री स्टाइल अभी ये सीख रही है, फ्री स्टाइल मतलब ऑन द स्पॉट म्यूजिक पे कैसा परफॉर्म करते हैं वो सीख रही है लड़की। ठीक है, उसके बाद इसका एक ड्रीम है कि साइपर करके फिर बैटल करके बैटल जीतना। ठीक है, जो हिप हॉप बैटल रहते हैं ना वो जीतना इसका एक ड्रीम है, और उसके साथ ये रियलिटी शो के लिए भी ट्राई करने वाली है फ्यूचर में, हिप हॉप डांस स्टाइल को लेके। ठीक है, तो इसका ये ड्रीम है, तो इसके लिए ये लड़की को अभी से लेके कम से कम एक साल तो जाएगा ही, वो भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद। अगर नहीं करेगी तो कम से कम 2-3 साल जाएगा, वो उसके ऊपर है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये भी वही करते हैं, मतलब वो भी फ्री स्टाइल सीख रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं वगैरह, और ये लड़की ब्रेकिंग सीख रही है, मतलब ब्रेक डांस जो बी बॉइंग रहता है वो करने वाली है। इसको भी करना है बैटल वगैरह, मतलब ओवरऑल सबको ही करना है, लेकिन वही सबसे पहले कर पाएगा जिसने पहले स्टार्ट किया है, सिंपल सी बात है। और जो जो बिगिनर है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप अपना लेवल फाइंड कर लो, तो और आगे बढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो ये लड़की को अगर मैं कोई टास्क दूंगा, समझो अगर मैं कोई कोरियोग्राफी सेट करके इसको बोलूँगा कि तू ट्राई कर, तो ये म्यूज़िक पे भी कर पाएगी, एनर्जी भी देगी, हर एक चीज़ कर पाएगी, क्योंकि इसने 6 साल सीखा है ये चीज़। उसमें से ऑनेस्टली कहूँ तो उसमें से 2 से 3 साल तो इसका वेस्ट ही चले गया, क्योंकि है ना, थोड़ा रॉन्ग ट्रेनिंग इसको मिला था मेरे तरफ से। और जैसे कि मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, तो कि मैंने पास में बहुत सारी गलती की है, एक अच्छा टीचर मुझे नहीं मिला था, तो आपको भी आपका भी ऐसा ही कुछ हुआ हो सकता है पास्ट में आपके, लेकिन सब पूरा खेल है नॉलेज का। अगर आपके पास अच्छा सा नॉलेज है ना, तो बहुत जल्दी आपका जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका 3 साल उसमें ही बर्बाद हो गया है, और उसके बाद अभी सिर्फ 3 साल का ट्रेनिंग ऐसा समझो, और इसके बाद भी 1-2 साल और लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़, कोई भी स्किल रहता है वो टाइम लेता है अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये लड़की को अगर मैं टास्क दूंगा कोई कोरियोग्राफी के रिलेटेड, तो ये आराम से कर पाएगी, हिप हॉप रहे या अर्बन कोरियोग्राफी रहे। इसका वैसा इसका लॉकिंग का भी हुआ है बेसिक अच्छे तरीके से, हाउस का भी हुआ है, मतलब बहुत सारे स्टाइल इसने सीखा है। इसको ब्रेकिंग उतना नहीं आता, ब्रेकिंग इसको अच्छा आता है, क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग रहता है तुम्हारे बॉडी के,
अब तुम कैसी स्टाइल कर सकते हो, अब इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये ब्रेकिंग संभालती है, तो ये हिप हॉप संभालती है, ठीक है। और जो भी ये आगे वाली लड़की है ये भी ट्राई कर रही है अभी हिप हॉप के लिए, और जो पीछे के वो तो बिगिनर है वो भी ट्राई कर रहे हैं स्लोली स्लोली, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको टास्क दूँ फ्री स्टाइल कर ऑन द स्पॉट, तो ये उतना नहीं कर पाएगी, मतलब 100 में से ये 30% 40% कर पाएगी, ठीक है। क्यों कर पाएगी, क्योंकि ये स्टाइल मतलब फ्री स्टाइल जो भी है इसने कभी सीखा नहीं है, और मैंने भी इसको कभी ट्रेनिंग दिया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी वो फ्री स्टाइल थोड़ा लेट समझ में आया। मैं भी है ना कोरियोग्राफी के पीछे ही बहुत सारा टाइम बिताता था कि हिप हॉप कोरियोग्राफी सीखे, ये करे वो करे ऐसा वैसा, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आपको भी, मुझे लगता है कि आपको भी फ्री स्टाइल सीखना चाहिए, साइफर अटेम्प्ट करना चाहिए, बैटल अटेम्प्ट करना चाहिए, ओके। तो इसके आगे अभी बढ़ेंगे जो भी है। अभी ये जो लड़की है, अब ये जो लड़की है ये भी फ्री स्टाइल कर सकती है, मतलब बेसिक फ्री स्टाइल, लेकिन इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें डेयरिंग कम है थोड़ा। डेयरिंग मतलब ये थोड़ा ज़्यादा खुल के नहीं कर सकती है, तो इसके लिए इसका प्रॉब्लम ये है। तो मतलब इंडिविजुअल सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब हो या आप नहीं कर पा सकते हो या छोड़ ही दो डांस का जो भी है, ऐसा कुछ नहीं रहता। उसके बाद जो भी अपना बेसिक मतलब जो भी अपना तुम्हारा जो भी लेवल है पहले फाइंड करो, उसके बाद क्या करो कि स्लोली 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 एक अच्छा सा टीचर हायर करो। नहीं तो हम जैसे वीडियो बनाते कोई यूट्यूब पे अगर चैनल मिलता है जैसे कि हम हैं, वैसा कोई यूट्यूब चैनल फाइंड करो, उनसे क्वेश्चंस करो, उनके पास से आंसर ले लो, फिर अपना जर्नी और कंटिन्यू रखो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप क्या लटक जाओगे बीच में और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आप मुझे मेरा वीडियो अच्छी तरीके से समझते हो कि मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि कंटिन्यू करो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम रहता है, मतलब मुझे बहुत सारे दूसरे भी काम रहते हैं, मैं स्कूल में भी डांस सिखाता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, तो बहुत सारे काम रहते थे, तो ये चक्कर में मैं क्या करता हूँ कि वो नहीं कर पाता हूँ। तो आगे जो भी अभी आगे के जो भी वीडियोज़ आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट के साथ ही अपना जो भी कोर्स है कंप्लीट करेंगे कि इनका आगे का क्या है, ये भी उनमें कवर हो जाएगा और आपका जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम कभी भी अगर कोई कोरियोग्राफी करते या फ्री स्टाइल करते तो जो बेसिक डांसर रहते वो क्या करते हैं, मतलब जो भी बिगिनर डांसर रहते वो रिपीट रिपीट स्टेप करते, मतलब रिपीटिवली करते। मतलब अगर मैं बाउंस कर रहा हूँ सिंपल तो मैं 4 काउंट करूँगा, ठीक है, नहीं तो 2 काउंट करूँगा, 1 2 3 4, उसके बाद एक स्टेप अटैच करूँगा, जैसे कि मतलब मैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो आगे करूँगा 1 2 3 4। अभी पूरा अगर करेंगे हम 4 काउंट में तो कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। तो जब हम ये ऐसा ट्राई करते हैं तो अपना डांस कुछ बेसिक दिखता है, जैसे बेसिक डांस कर रहे हो ऐसा। तो इसको हम कुछ यूनिक तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने जैसा 4 काउंट किया है तो इसको क्या करने का, कट डाउन करना है इसको, काउंट इसका काउंट का लेवल कम कम करते जाने का, मतलब 4 काउंट किया तो अभी पूरे स्टेप 2 काउंट करने का ट्राई करने का, ऐसा 1 2, उसके बाद क्या था 1 2, मतलब मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, 4 काउंट का स्टेप था दोनों तरफ तो एक स्टेप ही किया मैंने, तो 1 2 1 2 1 2, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, जैसे 4 4 4 स्टेप थे तो उसको मैं 2 2 किया तो ऐसा कुछ दिखा। तो इसके बाद हम लोग उसको एक काउंट में भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट स्टेप करूं, मतलब 1 1 काउंट स्टेप करूं, तो कैसा लगेगा कि थोड़ा डांस
कुछ अलग वेरिएशन में दिखेगा, कुछ हटके दिखेगा। ओके, तो जैसे कि अगर मैं 1 कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, ऐसा, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप को उसको कट डाउन करके एक छोटा सा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। और वो कॉम्बिनेशन हम लोग है ना कोरियोग्राफी में या अपने फ्री स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो डेमो के लिए और एक और स्टेप लेंगे हम, तो जैसे कि सब करो साथ में, कि मैं अभी कर रहा हूँ सिंपल अपना रॉक का स्टेप, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 फोर स्टेप किया, उसके बाद मैं कर रहा हूँ ये स्टेप 1 2 3 4 फोर काउंट का ही स्टेप रहेगा, ठीक है। तो ये 1 2 है सेकेंड स्टेप 4, ओके। उसके बाद मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ, समझो जंप कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ओके। तो बेसिक अगर इसको जोड़ेंगे अपन तो ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। अभी इसको क्या करना है, 2 काउंट में करना है, तो अपना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा इसके लिए, कभी कभी एक स्टेप स्किप करना पड़ेगा। तो कैसा होगा, ये 1 ये 2, उसके बाद डायरेक्ट ये 1 ये 2, उसके बाद डायरेक्ट 1 2, ठीक है। तो अभी कैसा दिखेगा, कुछ स्किप हो गया, हाँ ये वाला स्किप हुआ, वापस एक बार स्टार्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ बेहतर लग रहा है, मतलब दिखने में कुछ अच्छा सा लग रहा है, ओके। वापस एक बार 5 6 7 8 गो, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अभी 1 काउंट में ट्राई करते कैसा दिख के आता है। अभी आपने क्या करना है, हर स्टेप 1 1 काउंट ही करना है। तो ये 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, मतलब ये पूरा मेरे को लेना पड़ेगा, इसके लिए मैं पूरा लूंगा, मतलब ये 1 2, ठीक है, दो 1 2, सॉरी थोड़ा सा मेरे को सोचने दो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका आधा लेना पड़ेगा, सॉरी हाँ इसका आधा लेना पड़ेगा, तो 1 काउंट ही है ना, तो ये 1 हो गया, इसके बाद इसका आधा लिया मैंने, इसके बाद इसका आधा लिया, ओके, इसके बाद इसका आधा लिया और छोड़ दिया। तो पूरा स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा अभी, 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी अगर ये स्टेप में आई मीन 4 काउंट में डालू कौन से भी बीट में, जैसे कि 1 2 3 4, तो कितना मस्त लग रहा है। मतलब हमने क्या किया, बेसिक स्टेप को ऐसा यूनिक क्रिएट किया। वापस एक बार 5 6 7 8 गो, 1 2 3 4, अब इसके बाद जो भी हमने स्टेप किया है वो जोड़ जोड़ के ट्राई कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, पहले वाले स्टेप लेंगे और ये स्टेप, पहले 4 करेंगे पूरे स्टेप, उसके बाद 2 करेंगे, उसके बाद 1 करेंगे, एक के पीछे एक जोड़ेंगे। अब भी ट्राई करो, गो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4, ओके। अभी सब स्टेप 2 काउंट, 5 6 7 गो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ओके। अभी 1 1 काउंट, अभी थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा लेकिन ट्राई करते हैं, स्टार्ट। तो पहला 1 2 1 2 1 सॉरी 1 2 1 2, ओके। अभी इधर मैंने है ना एक स्टेप पूरा किया था जानबूझ के, क्योंकि रिदम आराम से पकड़ने आए। वापस एक बार गो, 1 2 3 4, 1 2 सॉरी 1 2
थ्री फोर, एक बार फास्ट ट्राई करेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो अभी ट्राई करेंगे म्यूजिक के ऊपर, ओके अभी म्यूजिक पे ट्राई करते, फोर काउंट, टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, नेक्स्ट, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, टू काउंट, ओके वन काउंट, ओके। तो क्या हुआ कि हम लोग कैसे खुद से ही अपने स्टेप कुछ इस तरीके से यूनिक क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अगर ऐसे आप लोग अभी कोई हिप हॉप म्यूजिक पे सेट करोगे तो बहुत यूनिक लगेगा, आपको भी पसंद आएगा, करने में भी मजा आएगा, देखने वालों को भी मजा आएगा, रैदर देन वही बेसिक स्टेप रिपीट रिपीट करने से अच्छा ये कुछ अलग ट्राई करो, ओके। क्या करना है, सिंपल अपना फोर स्टेप पहले कॉम्बिनेशन बनाना है, उसको टू में डिवाइड करना है, फिर उसके वन में डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन एक रूल है, उधर रिदम छोड़ो मत, जैसे कि हमने वन किया, टू किया, थ्री किया, इधर से ही नहीं किया, वापस आके हमने वापस आगे का बीट कवर किया, तो हर बीट रिदम पे आना चाहिए, मतलब फोर काउंट फोर काउंट, ओके। अगर क्वेश्चन होगा तो वापस मुझे एक रिप्लाई करो, कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ओके। तो यही था आज का वीडियो, तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप डांसिंग, बाय।